हेलो, नमस्कार। अगर आप करना चाहते हैं मेट्रो में नौकरी तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। और काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, और आईटीआई 10वीं आईटीआई ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी या डिप्लोमा वाले विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट हैं, अगर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो आप ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। यहाँ एकदम अच्छी पोस्ट है, आपको पूरा विवरण दिखाएंगे। फॉर्म को कैसे सबमिट करना है, फॉर्म में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले विज्ञापन की बात करेंगे। विज्ञापन के तहत आपको पूरी अपडेट देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी, अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वही विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये नई वैकेंसी है मेट्रो की, एक और नई वैकेंसी है। 14 अक्टूबर तक आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। आपके पास करीबन 10वीं का तो सर्टिफिकेट, और उसके साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो भी कौन सा सर्टिफिकेट होगा, एनसीवीटी एससीवीटी का सर्टिफिकेट होगा, तभी आप लोग इसमें देख पाएंगे। अब इसके अलावा हम बात करें तो डिप्लोमा वाले विद्यार्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर जिनके पास डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है। जैसे कि डिप्लोमा में बात करें, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा 3 साल का, इनमें से एक भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इन पोस्टों पर लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अलग अलग पोस्टें हैं, जैसे आईटीआई और 10वीं वाले विद्यार्थियों की अलग पोस्ट होगी, और जैसे बात करें ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थियों की, तो इनकी अलग पोस्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको देखना होगा विज्ञापन, और विज्ञापन की बात मैं करूँगा इसी दौरान। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। आने वाले हर एक विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले आप ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सीधा विज्ञापन पर के चलें। तो ये देखिएगा, ये विज्ञापन, इसका पूरा विज्ञापन है, और इस विज्ञापन की बात हम करेंगे। लेकिन मैं एक चीज और बता देता हूं, आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई की बात मैं करूंगा। पहले विज्ञापन, फिर उसके बाद आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। ये विज्ञापन देखिएगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कहाँ से निकली हुई है वैकेंसी और कहाँ कितनी पोस्टें हैं। ये सारी चीज़ें अपन क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, कैंडिडेट जो भी विद्यार्थी है पुणे मेट्रो में अगर करना चाहते हैं नौकरी, तो आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। पुणे मेट्रो से निकली हुई वैकेंसी है, और आप लोग इसमें ऑनलाइन ही जमा करवा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसमें ऑफलाइन जमा करवा सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन होगा। स्टार्टिंग डेट यानी कि आवेदन का पहला फॉर्म 23 सितंबर को भरा गया था, उसके बाद एंड इसका लास्ट फॉर्म 14 अक्टूबर को भरा जाएगा, यानी कि ये इसकी आवेदन की अंतिम तारीख होगी। फिर से बात करूँ, महा मेट्रो की हम बात कर रहे हैं, पुणे बॉम्बे से इसकी निकली हुई वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या, विज्ञापन संख्या आप लोग देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या ये होगी। अब इसमें आपको बता दें कि कैंडिडेट कैन यू अप्लाई मल्टीपल पोस्ट, और जो भी पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन और फुल टाइम का जो भी सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हैं और इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। ये होगी चीज़ क्लियर। लॉगिन आईडी के लिए आपके पास ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर होना जरूरी है, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा और क्या इसमें क्वालिफिकेशन के क्या महत्वपूर्ण दिया गया है, कितनी पोस्टें हैं, क्या नहीं होगी, ये देखिएगा। इसमें सबसे पहले ये देख लीजिए, कई विद्यार्थियों को मन में डाउट हो तो आप यहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर लें, ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुके। यहाँ पे देखिएगा, मैं पोस्ट और क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी पोस्ट क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, किसमें क्या क्या मांगा गया है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। आपके पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप इसमें अपलोड करना होगा। इसमें आईटीआई एनसीबीटी और सॉरी एससीबीटी एनसीबीटी, ये पहला क्वालिफिकेशन। सेकंड क्वालिफिकेशन डिप्लोमा वाले विद्यार्थी अप्लाई करेंगे, और तीसरा होगा इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी अप्लाई करेंगे। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पास आउट मैक्सिमम 300 KB के साथ आपकी ये PDF बना के इसमें अपलोड करनी होगी, थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना होगा। ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर आपके पास एक्स सर्विसमैन या जो भी विद्यार्थी वो इसमें लगाना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन या सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें लगानी होगी, स्कैन करना होगा। स्कैन करके आप लोग इसमें जमा करवा सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ तो SC ST कैटेगरी को किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देना होगा, इसमें ₹400 अदर कैटेगरी को देना होगा। जो अदर जो कैटेगरीज हैं, जैसे कि जनरल OBC, इन कैटेगरीज को यहाँ पे आवेदन के लिए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे। इसमें आगे देखिएगा, हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं। फॉर्म समझ में आ चुका है, फॉर्म के बाद अब इसमें बात करें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। मैं पूरा दिखाऊंगा, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल से मैं आगे बढ़ूँ। तो सबसे पहले पहला स्टेप फुल ऑप्शन के बारे में, रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ। पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिलअप एप्लीकेशन ऑनलाइन, फिर अपडेट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर पे पेमेंट,
फिर जो आपका फॉर्म भरा गया है उसे आप लोग सबमिट करवा सकते हैं। ये यहाँ पे इसकी पूरी वेबसाइट दी हुई है, कौन सी वेबसाइट कहाँ से होगी क्या होगी ये भी चीज़ समझ लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे इसके आवेदन के बारे में। तो यहाँ पे पहले मैं बात करूँ तो ये वाली वेबसाइट इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है जिसकी बात अपन करने वाले हैं। इसके बाद अपन बात करें जो रजिस्ट्रेशन है, जो भी नए विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करेंगे वो नए रजिस्ट्रेशन के लिए इस वेबसाइट पर जाना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे जाना होगा। आई होप ये चीज आप लोग समझ चुके होंगे। आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो मैं सभी विद्यार्थी से कहूंगा आप इसी पे क्लिक करें और नए विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो देखिएगा ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो चुकी है। महामेट्रो की मैं बात कर रहा हूँ, पुणे से निकली हुई वैकेंसी है और वैकेंसी के तहत यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे अपना जो भी पोस्ट कोड है उसको यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए आपको सबसे पहले पोस्ट कोड को यहाँ पे देखना होगा, कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं और कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा फीडर्स, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल्स, ये ट्रेडें होगी आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए। सिविल की बात करें जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्टें हैं और ग्रेजुएशन की बात करें मेंस की पोस्टें हैं और जनरल इलेक्ट्रिकल्स की पोस्टें हैं और आईटी वाले यानी कि जो डिप्लोमा ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए आईटी पोस्ट हैं। तो अपन बात करते हैं आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए। जैसे कि मैं आईटीआई को पहले फिल करते हुए आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे आपका फॉर्म जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे और आपके जो जो भी आपका मिडिल नेम है वो यहाँ पे सबमिट करेंगे, लास्ट नेम आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको सबमिट करनी होगी और इसी दौरान आप जो भी हैं मेल है फीमेल है उसे यहाँ पर सबमिट, ईमेल आईडी और ईमेल आईडी से कंफर्म ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे आपका कंफर्म मोबाइल नंबर, ये चीज़ें आपको सबमिट करनी होगी। आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे। अब मैं बात करूँ, कई विद्यार्थी अभी भी सोच रहे होंगे इसका पूरा विज्ञापन दिखाएं, तो मैं पूरा विज्ञापन आप हमारे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, वहाँ पे एक इसका एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ वीडियो बनाया हुआ है ताकि आप लोग देख पाएं। तो मैं विज्ञापन की बात करूं तो आप इसकी पूरी प्रॉपर वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाके करियर पॉइंट को क्लिक कीजिए और करियर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और इसका ऑफिशियली जो भी विज्ञापन 23 तारीख को लॉन्च किया गया था उसकी जानकारी आप यहाँ से ले पाएंगे। आई होप कि सभी विद्यार्थी समझ चुके होंगे। तो दोस्तों इसका ऑफिशियली वेबसाइट और विज्ञापन का लिंक आपको दिया जाएगा, यानी कि आवेदन प्रक्रिया का लिंक और इसका जो विज्ञापन है उसका लिंक आपको यहाँ पे दिया जाएगा और इसमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो देखिएगा मैं इसकी जो इसके आवेदन प्रक्रिया है उसका विज्ञापन की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो मैंने डाउनलोड कर लिया अब आप लोगों के सामने फिर से शेयर कर देता हूँ। ये देखिएगा ये इसका पूरा विज्ञापन है और इस विज्ञापन के तहत आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि काफ़ी विद्यार्थी इसे समझ चुके होंगे, कौन सी ट्रेड होगी कौन सी ट्रेड नहीं होगी ये सारी चीज़ें देखनी है। तो ये देखिएगा ये इसका ऑफिशियली विज्ञापन आप लोगों के सामने आ चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी विद्यार्थी इसे समझ चुके होंगे और डाउट हो तो कमेंट करें और हमें जो भी डाउट फीडबैक देना चाहते हैं वो दीजिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर शुरुआत करेंगे। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।